आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे आप सभी लोग और बहुत ही ठीक होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। हाँ तो मैं अभी आपको बाकी की चीज़ें दिखाती, वो गुड़िया आ गई ना तो इसलिए दिखाने को नहीं मिला। और यूँ तो मैं उसका नाम लेके बुलाती हूँ पर क्या करो यार, और उम्र में मेरे से कितनी बड़ी है बताओ, कम से कम उसकी एज 35 या 40 तो होगी, क्योंकि उसकी शादी हुई थी, दो बच्चे भी हुए थे पर दोनों बच्चे एक्सपायर हो गए, और बच्चे एक्सपायर हो गए उसके बाद मैं उसका हस्बैंड जो है उसको घर से निकाल दिया, उसने दूसरी शादी कर ली, और यहाँ पे है ना तो उसको उसको मतलब उसकी भाभी है उसको बहुत मारती है यार। चलो अभी क्या करो, जो है सो है, हर किसी का नसीब एक जैसे नहीं होता है। तो ये देखो, ये मैंने ये सैंडल लाए मेले में से, इसको क्या करने के लिए लाए, वीडियो बनाने के लिए लाए, वरना मैं ज़्यादातर जूते ही पहन के आती जाती हूँ। और ये सैंडल ज़्यादातर मुझे साड़ियों पे अच्छी लगती है, वरना जीन्स वूंस पे मैं ज़्यादातर सैंडल नहीं पहनती हूँ, क्योंकि चलने में दिक्कत होती है, मेरे पाँव में दर्द होता है, कमर की ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, मेरे रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, तो इसलिए मैं हील्स कम ही यूज करती हूँ। इसको लिया वीडियो बनाने के लिए। तो कैसा है ये ग्रे कलर का है, तो कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताना। तो इसको मैंने मेले में से लाया, बिस्कुट साइड रखते हैं और दिखाती हूँ। एक और लाया, एक तो वो ग्रे कलर का था, एक ब्लैक कलर का है, ये भी दिखाती हूँ। ये भी सैंडल ही है, खुल जा खुल जा खुल जा, खुलता नहीं यार। हाँ तो एक तो ये है, तो ये कैसा है, तो गाइस बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा था, और तो कैसा लगा आप लोग जरूर बताना। और ऐसे ही तो गाइस मैं जब से वीडियो बनाती हूँ ना, तब से मेरे को मतलब कहीं भी कुछ अच्छा दिखता है वीडियो बनाने के लायक, तो मैं उसको ले लेती हूँ। तो इसके बीच में ये बटन भी दिया हुआ है और इसके ये डिजाइन, तो कैसा लगा ज़रूर बताना, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और दोनों में से कौन सी सैंडल ज़्यादा अच्छी लगी ज़रूर बताना, और अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।